तो कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, इसका ढक्कन हम खोल लेते हैं और ये परफेक्ट हमारा मटन बना है। कलर देख सकते हैं परफेक्ट आया है और एक एक पीस हमारा एकदम गल चुका है अच्छी तरह से, बढ़िया कलर आया है। तो चलिए आज हम शेयर करते हैं मटन की रेसिपी आप लोग के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 kg मटन। मटन आप पिंक या रेड में ले सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि कम एज की बकरी का मटन लेने के लिए, वो काफ़ी अच्छा होता है, आपका काफ़ी कम टाइम लगता है पकने में भी और टेस्ट में भी वो अच्छा लगता है। अगर आप ज़्यादा एज के लेते हैं तो वो आपका पकने में भी टाइम लेगा और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि कम एज के बकरे का मटन लेने के लिए। अब हम कर लेते हैं मैगिनेट। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिए हैं दही, मैंने फ्रेश दही लिया है घर का। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश दही मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ 50 ग्राम लगभग लिया है मीठा दही। उसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच, उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे यहाँ बाकी के मसाले। तो मैंने लिया 1 बड़ी चम्मच हल्दी, 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला, आधी से भी कम मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पे बाद में मैंने और 1 चम्मच मैंने ऐड किया है मीट मसाला। तो लगभग मैंने 1.5 से 2 चम्मच यहाँ पे मीट मसाला ऐड किया है और अच्छी तरह से हम सारे मसाले को हम मिला के फेंट लेंगे और इस मसाले को हम ऐड करेंगे मटन पे। और मटन पे ऐड करने के बाद हम अच्छे से मटन के साथ मसाले को हम मैरिनेट कर लेंगे, सारे मसाले हमारे मटन में अच्छे से मिल जाए। मसाले को मटन के साथ अच्छे से हमें मिला लेना है। तो मसाला को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम मटन को रख देंगे हम 1/2 से 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में, इसको ढक के हम रख देंगे और अच्छी तरह से मिल चुका है। इसको अब हम ढक के 1/2 से 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रख देंगे, तब तक हम बाकी मसाले रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है, इसको हम गैस पे गर्म होने के लिए रखेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी सरसों का तेल, तो आप अपने अनुसार तेल कम ज़्यादा ले सकते हैं, आपकी मटन क्वांटिटी किस तरह है उस अनुसार या मसाला आपको किस तरह बनाना हो। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ऐड करके उसको अच्छी तरह से पैन पे फैला लिया है। ऐड करूँगी यहाँ पे जीरा, जीरा को हम अच्छी तरह से 2 सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च, तो मैंने 2 हरी मिर्च लिया है बीच से चिरा लगा के, आप तीखा कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी प्याज, क्या है मैंने 4 प्याज बड़े साइज़ के काट के लिए हैं, जिसमें से मैंने 1/2 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे लिया है और जो बाकी के हैं उसे हम मटन फ्राई करने टाइम यूज़ करेंगे। तो प्याज को हम अच्छी तरह से यहाँ मिला के फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लहसुन की कलियाँ, तो मैंने यहाँ पे 12 से 15 लहसुन की कलियाँ लिया है, उसको भी हम मिला देंगे। यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के टमाटर भी ऐड किए हैं, तो टमाटर आप हो सके तो डालिए या फिर डाल रहे तो एक डालिए, मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के डाले हैं जो बिल्कुल भी खट्टे टमाटर नहीं हैं। मटन में आप खट्टा कम यूज़ करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिला के हम इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सॉफ्ट होने के लिए इसको हम ढक के पका लेंगे। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च साबुत कलर के लिए, अगर आपको लाल मांस या रेड मीट बनाना हो तो। और ये हमारा पक चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं प्याज और टमाटर। तो इसको अब हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम मिक्सर में निकाल लेंगे। तो मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, ये इसको हम अब मिक्सर में निकाल लेते हैं और इसको इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। इसमें अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करते हैं तो मसाला काफ़ी अच्छा देखने में लगता है रेड रेड, तो रेड मांस अगर खाते हैं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ ज़रूर कीजिएगा लाल मांस खाना हो तो। इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है, अब हम चलेंगे दोबारा गैस की ओर, गैस को ऑन करेंगे। तो गैस पे हम कुकर को गर्म होने के लिए रख देंगे, कुकर हमें अच्छा गर्म करना है। गर्म हो जाने के बाद मैं डालूँगी तेल और तेल को अच्छी तरह से फैला लेना है। फिर इसमें डालूँगी जीरा, 2 हरी मिर्च, तेज़पत्ता और हम यहाँ पे डालेंगे खड़े मसाले। तो इन सबको मिला लेंगे एक बार, फिर हम डालेंगे हमने जो थोड़े से प्याज रखे थे उसको भी हम यहाँ पे ऐड करके फ्राई कर लेंगे प्याज को। करेंगे मटन, तो मटन देख सकते हैं ये मैरिनेट हो चुका है, तो अब इसको भी ऐड कर देंगे इसमें।
और मटन को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। मटन हमें यहीं पे फ्राई करने के साथ ही हमें इसको 80 से 90% पकाना है हमें फ्राई करने में, और फ्राई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि अगर मटन बनाते हैं तो मटन में आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो थोड़ा समय आपका बच सकता है, लेकिन आपको मटन को अच्छे से पकाने के लिए, परफेक्ट तरीके से पकाने के लिए मटन को आपको अच्छा टाइम देना होगा, तभी मटन आपका परफेक्ट पकेगा। तो मटन को ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से इस तरह फ्राई करते हुए मिलाते हुए पकाना है, और इसे हमें मीडियम से लो फ्लेम पर ही पकाएँगे, इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। आप जितना लो फ्लेम पे पकाएंगे मटन उतना ही आपका टेस्टी बनेगा। तो मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, तो अब मैं नमक ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक, तो अपने स्वाद अनुसार आप नमक यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक यूज़ किया है। तो इसी तरह हम मटन को मिलाते हुए 2-2 मिनट इसको मिलाएँगे, 2-5 मिनट फ्राई करेंगे, फिर इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे। फिर बाद इसी तरह मिलाएँगे और फिर इसको ढक के हम फिर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने जो मसाले रेडी किया है उसको भी हम ऐड करेंगे और अच्छे तरह से हम इसको मिला के फिर इसको हम फ्राई करेंगे इसी तरह लो फ्लेम पे। हमें मटन को अच्छी तरह से इस तरह मिलाते हुए फ्राई करना है। तो अगर आपका पानी सूख जाए, अगर आपका मसाला सूख रहा है, नीचे से लटक रहा है, तो थोड़ा सा आप पानी 1-1.5 चम्मच आप पानी उसमें ऐड कीजिए और फिर मसाले के साथ आप मटन को फ्राई कीजिएगा। काफ़ी टेस्टी आपका मटन बनेगा। तो इस तरह मिलाते हुए हम फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे पकाने से आपका टाइम लगता है, तभी आपका टेस्टी बनेगा मटन। तो ये हमारा परफेक्ट पक के रेडी है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग या ग्रेवी कितना चाहते हैं उस अनुसार पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लगभग 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। उसको अच्छी तरह से मिला देंगे और हम कुकर का ढक्कन लगा के इसको हम 7 से 8 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे। तो सीटी लग चुकी है, अब हम इसका ढक्कन, कुकर भी ठंडा हो चुका है, इसका ढक्कन हम खोल लेते हैं। और परफेक्ट ये पका है, आप देख सकते हैं कलर परफेक्ट आया है, एकदम अच्छे से गल चुका है हमारा मटन। तो ये हमारा मटन रेडी है। तो इस मटन को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा मटन रेडी है, इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो आप गर्मा गर्म इसको खाइए चावल के साथ। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बताइएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ इसी तरह एक नई रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।